फाजिल्का के गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी की बहन राजदीप कौर के अकाली दल छोड़कर कांग्रेस में जाने से एक बार फिर से यह परिवार चर्चाओं में आ गया है। जसविंदर सिंह रॉकी के भोग के मौके पर उसके कामों को आगे बढ़ाने के लिए राजदीप कौर को राजनीति में लाने का फैसला उपस्थित हजारों समर्थकों ने लिया था, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी राजदीप अपने ठोस राजनीतिक ठिकाने की तलाश में है। आज की इस वीडियो में हम राखी की जिंदगी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की चर्चा करेंगे। जसविंदर सिंह भुल्लर उर्फ राखी का जन्म 1973 में फाजिलका के गांव झुग्गे केसर सिंह में एक किसान परिवार में हुआ था। उसकी स्कूली शिक्षा फाजिलका में हुई थी। 1990 में 12वीं कक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए राखी चंडीगढ़ चला गया, लेकिन पढ़ाई की बजाय वह गैंगस्टर बन गया। रॉकी चंडीगढ़ के गैंगस्टर प्रभजिंदर सिंह डिम्पा का नज़दीकी सहयोगी था। रॉकी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तियार अंसारी से प्रभावित था। रॉकी और डिम्पा दोनों मुख्तियार अंसारी के लिए काम भी करते थे। 2006 में चंडीगढ़ लेक क्लब में डिम्पा की हत्या हो गई थी। रॉकी पर डिम्पा की हत्या के आरोप में मुकदमा भी चला था। 2014 में रॉकी को इस मामले में बरी कर दिया गया था। रॉकी पर हत्या, अपहरण, फिरौती समेत कुल 23 मामले दर्ज हुए थे। 18 मामले में रॉकी को बरी किया जा चुका था। मुख्तियार अंसारी की तर्ज पर रॉकी राजनीति में आना चाहता था। 2009 में एक मामले में जमानत मिलने पर 400 गाड़ियों का काफिला रॉकी को फिरोजपुर से फाजिलका तक जुलूस की शक्ल में लेकर आया था। इस घटना ने रॉकी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पर लगा दिए। रॉकी के चाहने वाले हर एक राजनीतिक दल में थे। 2013 में रॉकी का उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के साथ संसद भवन में लिया गया एक फोटो सामने आया था। इस फोटो में कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और विधायक राजकुमार वेरका भी दिखाई दे रहे हैं। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल के साथ रॉकी की नज़दीकियों के फोटो भी पब्लिक डोमेन में हैं। माना जाता है कि अकाली दल ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 2012 के विधानसभा चुनाव में फाजिलका से जसविंदर सिंह रॉकी और अबोर से शिवलाल डोडा को आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था। गठबंधन के तहत अबोर और फाजिलका की सीटें भाजपा के खाते में आती हैं। इस चुनाव में रॉकी को करीब 40,000 वोट मिले थे और भाजपा के सुरजीत जानी मात्र 1600 वोटों से जीतने में कामयाब हुए थे। अबोहर में शिवलाल डोडा ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और कांग्रेस के सुनील जाखड़ मुश्किल से जीत पाए थे। भाजपा की उम्मीदवार श्रीमती विजय लक्ष्मी बादू तीसरे स्थान पर रही थी। अफसोस की बात यह है कि आज रॉकी की हत्या हो चुकी है और शिवलाल डोडा हत्या के एक मामले में पिछले 2 साल से जेल में बंद है। आइए अब जरा रॉकी की हत्या के मामले की बात भी कर लेते हैं। 30 अप्रैल 2016 को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवानू में सुबह 8:30 बजे TTR होटल के पास रॉकी पर हमला हुआ। रॉकी अपनी टाटा फॉर्चूनर गाड़ी पर चंडीगढ़ आ रहा था। अपनी हत्या से कुछ दिन पहले रॉकी ने फाजिलका के एक पत्रकार को बताया था कि एक ज्योतिषी ने उसकी जान को खतरे की चेतावनी दे रखी है। रॉकी 2017 में दोबारा चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रहा था। राजदीप कौर के राजनीति में आने का फैसला रॉकी के भोग के मौके पर उसके समर्थकों द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया था। उस समय अकाली दल के सांसद शेर सिंह घुभाया भी मौजूद थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में रॉकी ने शेर सिंह घुभाया को खुलकर समर्थन दिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में राजदीप कौर ने कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन राजनीति की कारागिरी देखिए। रॉकी के समर्थन से जीतने वाले शेर सिंह घुभाया अकाली दल में रहते हुए अपने बेटे देविंदर घुभाया को कांग्रेस का टिकट दिलाने में कामयाब हो गए। मजबूरन राजदीप कौर को आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में आना पड़ा। राजदीप कौर को 38,000 वोट मिले, जो रॉकी को मिले वोटों के बराबर ही थे। 8 फरवरी 2018 को राजदीप कौर ने अकाली दल में शामिल होने की घोषणा की थी और अब राजदीप कौर ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में जाने का फैसला लिया है। आइए अब जरा रॉकी की लोकप्रियता के बारे में बात कर लेते हैं। 2011 में सतलुज दरिया में बाढ़ आने पर रॉकी के नेतृत्व में फाजिलका के सीमांत गांवों में राहत और बचाव के काम सरकार से पहले और प्रभावी तरीके से किए गए। उसके बाद रॉकी ने समाज कल्याण के कुछ अन्य कामों को भी हाथ में लिया। रॉकी ने अपने प्रभाव के चलते कई महिलाओं के घर बसाए। रॉकी की समानांतर न्याय व्यवस्था चलती थी, जिसमें पंचायती तौर पर फैसले कराए जाते थे, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, सैकड़ों लोगों को इंसाफ दिलाने वाले रॉकी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। हिमाचल पुलिस की ढीली रफ्तार के चलते
रॉकी हत्याकांड की जांच सीबीआई को देने की मांग की जा रही है। अब एक अंतिम बात बताना भी जरूरी है, पंजाब में यूपी और बिहार की तरह अपराधियों की राजनीति में स्वीकार्यता नहीं है, इसलिए हर एक राजनीतिक दल रॉकी की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन अपने सिंबल पर उसे चुनाव नहीं लड़ाना चाहता था। 2012 में आजाद उम्मीदवार के रूप में रॉकी को समर्थन देने के पीछे रणनीति यही थी कि अगर जीत गए तो अपने साथ मिला लेंगे। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रॉकी ने कई बार राजनीतिक वफादारियां बदली। रॉकी की हत्या के पीछे आपराधिक रंजिश के अलावा राजनीतिक कारण भी माने जाते हैं। राजदीप कौर अमृतधारी सिख, वह राजनीति को सेवा का सशक्त माध्यम मानती है, लेकिन भविष्य की रणनीति बनाते समय राजदीप कौर को यह भी याद रखना होगा कि राजनीति बहुत से लोगों के लिए एक बेदर्द कारोबार भी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।